Today we learn the lesson, or we can say it is a play written by Claire Boyko, and the name of the play is The Book That Saved the Earth. पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लॉसरी से, यानी कि इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं ताकि जब हम पढ़ें तो हमारी समझ में आसानी से आ जाए। ग्लॉसरी में देखिए, क्यूरियोसिटीज स्ट्रेंज और रेयर ऑब्जेक्ट्स, विचित्र और कम पाई जाने वाली चीज़ें, जुलूस अ साउथ अफ्रीकन रेशियल ग्रुप, दक्षिण अफ्रीका की एक प्रजाति है, इंसाइक्लोपीडिया अ बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज और ऑन वन सब्जेक्ट। इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश होता है, एक पुस्तक होती है जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी होती है या किसी एक विषय पर एक जानकारी होती है। पीविशली इरिटेबली चिढ़ते हुए, अप्रेंटिस अप्रेंटिस, अ न्यू लर्नर अ पर्सन न्यूली एंटर्ड इन ए ट्रेड टू लर्न अबाउट इट। एक नौसिखिए को कहते हैं, नई जानकारी कोई लेता है, नया प्रशिक्षण लेता है किसी व्यापार के अंदर, किसी काम के अंदर, उसको हम अप्रेंटिस कहते हैं। रेडिकुलस, यहाँ पर देखिए आर आई होना चाहिए था, आर ई है, ई स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा आप। एब्सर्ड, डिजर्विंग टू बी लाफ्ड एट, भद्दा या जिस पर हंसा जा सके, इस प्रकार का कोई भी चीज़ या वस्तु या कोई घटना। इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, मामूली। हैबरडैशरी, हैबरडैशरी शॉप विच सेल्स क्लोदिंग स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, यानि कपड़े का छोटा मोटा सामान जो बेचने वाली दुकान होती है उसको हम हैबरडैशरी कहते हैं। ट्रिफलिंग, पेटी ट्रिवियल हैविंग नो वैल्यू, बहुत ही मामूली चीज़ों के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो ट्रिफलिंग है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। स्क्विगल्स, ड्राफ्ट्स ऑफ इलिजिबल राइटिंग, स्क्विगल्स का मतलब यहाँ पर है कि जो लिखाई दिखाई ना दे या समझ में ना आए। मैग्निफिसेंट, रिमार्केबल, स्प्लेंडिड, बहुत ही भव्य आकर्षक। डिसिफर, डिस्कवर द मीनिंग ऑफ समथिंग विच इज़ पजलिंग एंड मिस्टीरियस, किसी ऐसी चीज़ के बारे में पता लगाना जो बहुत ही रहस्यमय है, मिस्टीरियस है। लेविटी, नॉन सीरियस डिस्कशन, हंसी मजाक या कह सकते हैं कि ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब टू राइट इन फुल फॉर्म फ्रॉम शॉर्ट हैंड, यानी कि किसी चीज़ को अगर छोटे शब्दों में लिखा गया है उसको पूरा खोल करके बताना। इन्वेजन, अटैक, आक्रमण। अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा हम यहाँ जान लेते हैं क्लेयर बॉयको के बारे में। क्लेयर बॉयको इज़ ए फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं बच्चों की किताबों के लिखने वाले। हिज प्लेज आर फुल ऑफ फैंटेसी एंड अम्यूजमेंट, और उनके जो नाटक होते हैं बहुत ही मज़ेदार और कल्पनाशील होते हैं। हिज फेमस प्लेज आर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, बलिंडा एंड द बीस्ट, अल एडम्स एंड द वंडरफुल लंप, बेबी प्रिंसेस, लेडी मून एंड द थीफ एंड न्यूमरस अदर्स। तो ये नाम हैं उनके लिखे हुए नाटकों के। अबाउट द टेक्स्ट, अब जान लेते हैं कि आप जो ये नाटक अब पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज अ शॉर्ट प्ले मेंट टू एंटरटेन एंड एजुकेट पीपल विद द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, ये जो नाटक है, छोटा सा नाटक है, ये लोगों को शिक्षित करने के लिए और उनका मनोरंजन करने के लिए है जो कल्पना का संसार है उसके द्वारा। इट ड्रामेटाइजेज द इमेजिनरी इवेंट ऑफ द मिड 21st century सपोज टू बी सीन इन 25th century, और ये एक नाट्य रूपांतर है, नाटक करके बताया गया है एक काल्पनिक घटना का जो कि मध्य 20वीं शताब्दी की है, और ऐसा इसमें दिखाया गया है कि जो 25वीं शताब्दी में दिखाई जा रही है। द हिस्टोरिस्कोप शोज दैट
A crew from the planet Mars is on the expedition to attack the Earth. और हिस्टोरीस्कोप यानी इतिहास के चश्मे से ये दिखाया गया है, दिखाया जाता है कि मंगल ग्रह से एक दल जो है यहाँ पृथ्वी पर आक्रमण करने आया. द क्रू मेंबर्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हैपन टू एंटर ए लाइब्रेरी व्हिच दे टेक टू बी ए स्टोरेज बार्न एंड मिस्टेक्स बुक्स फॉर सैंडविचेस. और ये जो दल आया है यहाँ पे खोजबीन करने के लिए, वो एक लाइब्रेरी में चला जाता है और उसको एक खाद्य भंडार समझ लेता है और जो किताबें हैं उनको सैंडविचेस समझ लेता है. दे रीड आउट पोइम्स फ्रॉम अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स एंड मिस इंटरप्रेट देयर मीनिंग्स. वे किताबों को पढ़ते हैं और ये किताबें कौन सी हैं, नर्सरी की कविताओं की किताबें हैं, और उनके अर्थ को वो मिस इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से समझते हैं. कन्फ्यूज बाई द फार फेस्ट इमेजेस ऑफ द फनी पोइम्स, और कल्पना की दूर से लाई हुई किसी असमंजस में पड़ जाते हैं सभी इन मज़ेदार जो कविताएं हैं इनके द्वारा. दे बिगेन टू थिंक दैट द पीपल ऑफ द अर्थ आर फार मोर एडवांस्ड एंड इंटेलिजेंट कैपेबल टू डिफीट द मार्शंस. और इसके द्वारा वो ये सोचने लगते हैं कि पृथ्वी के जो निवासी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हैं, बहुत ही आगे के हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और मार्शंस को यानी मंगल ग्रह के निवासियों को हराने में सक्षम हैं. दे ड्रॉप द मिशन ऑफ अटैकिंग द अर्थ एंड विदड्रॉ इन फियर. और इस प्रकार वो आक्रमण करने की बात को भूल जाते हैं और डर के मारे पृथ्वी पर आक्रमण का विचार त्याग देते हैं. थिंक टैंक द मास्टर माइंड ऑफ द अटैक. और जो थिंक टैंक है वो इस पूरे आक्रमण की योजना का योजनाकार है. इज हिमसेल्फ सो मच फ्राइटेंड, और वो स्वयं भी इतना ज़्यादा डर जाता है दैट ही इज रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स, और वो तैयार हो जाता है मंगल ग्रह से भागने के लिए टू ए सेफर प्लेस इन द यूनिवर्स. एक्टिविटी विल डू आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. सो नाउ कम ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द